हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डैब हैंड लर्नर्स चैनल। दिस इज द एमसीक्यू सीरीज ऑफ द चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। ये पार्ट 3 है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक हमारे सिलेबस से डिलीटेड है, इसलिए वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26 डायरेक्टली। और मैंने आपको ये क्वेश्चंस कुछ होमवर्क में दिए थे, 5 क्वेश्चंस, एंड आई हैव टोल्ड यू टू कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सो पहले अब हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन विद फर्दर क्वेश्चंस। Organizing chapter will be completed by this lecture today. Question number 26, which of the following is not an element of delegation? Delegation ka element kaun sa nahi hai? So we have studied that there are three elements of delegation. Teen element hote hai delegation ke. A option de rakha hai responsibility, to haan, ye element hai, humne padha tha. Authority bhi ek element of delegation hai. अकाउंटेबिलिटी भी एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन एक अनदर टॉपिक था, तो इसका आंसर हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन, डी टॉपिक। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27। इट अराइजेस फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड स्केलर चेन व्हिच लिंक्स द वेरियस जॉब पोजीशंस एंड लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ए अथॉरिटी, बी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ ऑप्शंस थोड़े गलत हो रखे हैं, तो ए अथॉरिटी, बी ऑल ऑफ द अबव, सी टॉप टू बॉटम और डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या लगता है आपको, आंसर क्या होगा? सो द आंसर इज ए ऑप्शन, अथॉरिटी, बिकॉज एक अथॉरिटी ही है जो एक एस्टैब्लिश स्केलर चेन फॉलो करती है। यू हैव डन स्केलर चेन इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की एक चेन होती है ए बी सी डी, एंड यहाँ पे दूसरी चेन जे के एल एम। ओके, सो इस केस में देखो एम जो है वो डायरेक्ट सी से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता अगर फॉर्मली देखा जाए तो। ये दोनों इनफॉर्मली पर्सनल लाइफ में फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात इसे कम्युनिकेट करनी हो सी को, देन ही विल कम्युनिकेट टू एल, देन के, देन जे, देन ए, फिर ए बी को करेगा एंड देन बी सी को करेगा। तो ये होती है एक स्केलर चेन, और स्केलर चेन कौन फॉर्म करती है? अथॉरिटी ही करती है, क्योंकि एम के ऊपर कौन सी पोस्ट पे बंदा है? एल, इंडिविजुअल एल है एम से ऊपर, तो एल हैज द हाईएस्ट अथॉरिटी ओवर एम। एम से ज्यादा अथॉरिटी एल के पास है, फिर एल से ज्यादा अथॉरिटी के के पास है, के से ज्यादा अथॉरिटी जे के पास है, जे से ज्यादा अथॉरिटी ए के पास है। तो ए सबसे बड़ा हेड है, तो उसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होगी, हाईएस्ट अथॉरिटी ओवर All employees. Okay, so I hope आपको ये answer clear हो गया होगा। 28 question, the authority flows as we go higher up in the management hierarchy, bottom to top decreases in all directions, none of the above. इस question में वो पूछना चाह रहा है कि जब आप management hierarchy में upward movement में जाते हो, as we go higher up, higher up in the management hierarchy, मतलब आप नीचे वाले level से start करके ऊपर ऊपर जाते हो, तो आपको अथॉरिटी की फ्लो क्या दिखती है? क्योंकि हमें पता है सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसके पास होती है, जो हेड होता है, या टॉप मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है, और सबसे लोएस्ट अथॉरिटी जो सुपरवाइजर्स होते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो बंदे होते हैं सीरियस एक्चुअली उनके पास। तो बताओ कि अथॉरिटी कैसे फ्लो करती है, जब हम हायर अप अपवर्ड मूवमेंट की तरफ अगर हम जाते हैं तो अथॉरिटी कैसी दिखती है? बॉटम टू टॉप डिक्रीजेस इन ऑल डायरेक्शंस, नन ऑफ द अबव। सो द आंसर इज बॉटम टू टॉप, बिकॉज अथॉरिटी सुपरवाइजर के पास जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन सबके पास होगी, तो इनके पास होगी हाइएस्ट अथॉरिटी, और इनके पास क्या होगी? लोएस्ट अथॉरिटी। दैट्स व्हाई इसका आंसर होएगा बॉटम टू टॉप, क्योंकि बॉटम में सबसे कम है और टॉप पे सबसे ज्यादा, इसलिए द अथॉरिटी फ्लोस फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर मैनेजमेंट के लेवल पे जाओगे, अथॉरिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी बॉटम टू टॉप। द स्कोप ऑफ अथॉरिटी डैश एज वी गो हायर अप इन द मैनेजमेंट हायरार्की। अथॉरिटी का स्कोप क्या होता है जब हम मैनेजमेंट हायरार्की में अपवर्ड जाते हैं? जैसा भी पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अपवर्ड मूवमेंट करते हैं हम, ऊपर ऊपर लेवल पे चले जाते हैं मैनेजमेंट में, तो आपकी अथॉरिटी क्या होगी? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, नन ऑफ द अबव।
ऑब्वियसली द आंसर इज ए, इंक्रीज, हमारी अथॉरिटी बढ़ेगी क्योंकि जितनी बड़ी पोस्ट होगी उतनी ही हमारी अथॉरिटी होगी. 30 क्वेश्चन, इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी. ये हमने क्लियर डेफिनेशन पढ़ी है, द आंसर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए ऑप्शन. ऑब्लिगेशन है सबऑर्डिनेट का कि तुम्हें जो भी असाइन ड्यूटी है, जो भी तुम्हें काम दिया है, उसे प्रॉपरली परफॉर्म करो. 31 क्वेश्चन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज इन ऑल डायरेक्शंस डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स नन ऑफ द अबव. रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो होती है, इन ऑल डायरेक्शंस डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स या नन ऑफ द अबव. सो द आंसर इज अपवर्ड्स, सी ऑप्शन. वी नो अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स, अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स. वाई डाउनवर्ड्स, क्योंकि जब भी आप ऊपर से स्टार्ट करते हो, पहले तो अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, एज वी गो हाइयर अप इन द मैनेजमेंट हायरार्की, आप जैसे जैसे हाई लेवल पे जाते हो तो आपकी अथॉरिटी बढ़ने लग जाती है. लेकिन अभी इसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं कि अगर हम हाई पोस्ट से लोअर पोस्ट पे जाएं तो आपकी अथॉरिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी, डाउनवर्ड फ्लो होगी. सबसे ज्यादा लेवल से नीचे वाले लेवल पे आएंगे तो अथॉरिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी. लेकिन वहीं अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात देखें तो बताओ, सीईओ के पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है या वर्कर्स के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑब्वियसली वर्कर्स के ऊपर. दैट्स व्हाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हाईएस्ट इन केस ऑफ वर्कर्स और लोएस्ट इन केस ऑफ सीईओ, लोएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अथॉरिटी जैसा चलती है उसके अपोजिट ही होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जितनी बंदे के पास अथॉरिटी होगी, पावर होगी, उतनी उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी, और जितनी आपके पास अथॉरिटी कम है उससे ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. 32 क्वेश्चन, अथॉरिटी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉई शुड बी मोर देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रस्टेड टू हिम, लेस देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रस्टेड टू हिम, इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रस्टेड टू हिम, ऑल ऑफ द अबव. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने अच्छे से पढ़ा था इसके ऊपर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, कि अथॉरिटी जो है उतनी देनी चाहिए जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या अथॉरिटी ज्यादा कर दे देनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से, या अथॉरिटी कम दो रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी दी है उससे. सो द आंसर इज इक्वल टू, हमें इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए अथॉरिटी की, ताकि जो सबऑर्डिनेट है वो अच्छे से असाइन ड्यूटी को परफॉर्म करे. क्योंकि अगर ज्यादा अथॉरिटी दे दी तो हो सकता है वो अपनी पावर का मिसयूज कर दे, और अगर ज्यादा कम अथॉरिटी दी तो हो सकता है वो अपना काम भी अच्छे से पूरा ना कर सके. वो मैंने आपको चैप्टर 2 में एग्जाम्पल भी दिया था फॉरमैन का, कि अगर फॉरमैन को बोला है सुपरवाइजर ने या किसी मिडिल लेवल मैनेजर ने कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है और आपको उसके लिए टूल्स लेकर आने हैं तो आप ला सकते हो, तो इस केस में मैनेजर ने अथॉरिटी दी फॉरमैन को कि आप टूल्स लाना चाहते हो तो ला सकते हो. तो इस केस में अगर सुपरवाइजर ने काम कर दिया है तो इसका मतलब अथॉरिटी जो थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल थी. बट अगर सोचो, अगर मैनेजर ने ऐसा कुछ कहा नहीं होता कि तुम्हें टूल्स नहीं लाने, जो है उसी से काम करो, तो इट मीन्स अथॉरिटी नहीं दी गई है फॉरमैन को उसका काम पूरा कंप्लीट करने के लिए. तो इस केस में अगर सुपरवाइजर नहीं काम कर सॉरी फॉरमैन अगर काम नहीं कर पाता तो इस केस में मैनेजर उसे कुछ नहीं कह सकता. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. 33 क्वेश्चन, इट हेल्प्स द मैनेजर्स टू इंश्योर दैट द सबऑर्डिनेट डिस्चार्जेस हिज ड्यूटीज प्रॉपरली. रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव. सो सबऑर्डिनेट अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली परफॉर्म करे, उसको इंश्योर करने का काम मैनेजर का होता है. लेकिन ये किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है डेलीगेशन के? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव. सो थिंक एंड टेल व्हाट वुड बी द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन हेयर जो इंश्योर करता है सबऑर्डिनेट को कि वो अपना काम अच्छे से करे, अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली उसने परफॉर्म किया है, उसे इंश्योर करना. तो द आंसर इज अकाउंटेबिलिटी, सी, क्योंकि अथॉरिटी मैनेजर ने दे दी, अथॉरिटी मैनेजर के पास है और उसने अथॉरिटी अपने फॉरमैन को दे दी. फॉरमैन ने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और उसने काम करके अच्छे से दिया. लेकिन वो काम हुआ या नहीं वो पूछना भी तो मैनेजर का काम है. तो मैनेजर इंश्योर करेगा कि सबऑर्डिनेट ने अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली परफॉर्म किया है या नहीं. सो द इसका आंसर है अकाउंटेबिलिटी, सी ऑप्शन. 34 क्वेश्चन, द अकाउंटेबिलिटी फ्लोज इन ऑल डायरेक्शंस डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स नन ऑफ द अबव. सो द अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स, सी ऑप्शन है इसका आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव.
अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है, यस अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर मेरी मैम ने मेरे को कुछ काम दिया है, मेरी टीचर ने मेरे को कुछ काम दिया है, तो अगले दिन वो मुझसे ही पूछेगी, हालांकि मैंने अपने किसी और दोस्त से वो काम करवा लिया हो, लेकिन वो मुझसे ही पूछेगी, है ना। लाइक आप कल नोटबुक सबमिशन है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कल नोटबुक सबमिशन है और आपने अपने फ्रेंड को दे दी कि तू घर पे जाके अपना काम पूरा कर आई हो, कल नोटबुक सबमिशन है और मेरी भी कॉपी ले आई हो, तो अगले दिन बाय चांस अगर वो कॉपी लाना भूल गया आपकी, तो टीचर आपसे पूछेगी, आपके फ्रेंड से, ऑब्वियसली आपसे, क्योंकि आप अपनी नोटबुक के लिए अकाउंटेबल हो, आप अपनी नोटबुक के लिए आंसरेबल हो, इसलिए तो आंसरेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी कभी भी दूसरे पे डेलीगेट नहीं की जा सकती। जो मैनेजर है, जो हाई पोस्ट पे है, वो आपसे ही पूछेगा आपका काम, ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट कहीं नहीं जा सकती। सो जो डेलीगेट करी जा सकती है वो है अथॉरिटी, बी ऑप्शन। 36 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स देर आर सम मिस्टेक्स इन ए ऑप्शन सी ऑप्शन, तो मैंने ए ऑप्शन में से अकाउंटेबिलिटी को हटा के अथॉरिटी कर दिया, तो अब इनमें से बताओ आप कौन सा सही करो। सो इसका आंसर है सी ऑप्शन, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे दो ऑप्शन तो कभी सेम आएंगे नहीं, जैसे इस केस में कुछ भी कर लो तो ऑप्शन सेम हो रहे थे, माई मिस्टेक, बट ऐसे तो नहीं आएंगे। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको पहले से ही पता है अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी डेलीगेट हो ही नहीं सकते, तो ऑप्शन कितने भी सेम हो जाए आप कंफ्यूज हो ही नहीं पाओगे। 37 क्वेश्चन, अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर्मल पोजीशन, अकाउंटेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। अथॉरिटी कैसे अराइज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, फॉर्मल पोजीशन से, अकाउंटेबिलिटी से, ऑल ऑफ द अबव। सो द आंसर इज फॉर्मल पोजीशन। जितनी फॉर्मल पोजीशन होगी आपकी उतनी ही ज्यादा अथॉरिटी होगी। मैंने आपको बताया था जितनी अच्छी पोस्ट पे होंगे आप, टॉप पोस्ट पे होंगे, उतनी ही ज्यादा आपके पास हाईएस्ट अथॉरिटी होगी। सो अथॉरिटी कहाँ से राइज करती है, फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन। सो इसका आंसर है बी। लास्ट थ्री क्वेश्चन वी विल सी, 38 क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिराइव फ्रॉम अथॉरिटी, फॉर्मल पोजीशन, अकाउंटेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिराइव होती है, अथॉरिटी से, फॉर्मल पोजीशन से, अकाउंटेबिलिटी से, ऑल ऑफ द अबव। सो द आंसर इज अथॉरिटी, ए ऑप्शन। हमने पढ़ा था रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी, अगर मेरी टीचर ने मेरे को कुछ काम दे दिया है तो उन्होंने अपनी अथॉरिटी मेरे साथ शेयर करी है और मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपनी टीचर का काम अच्छे से करूं, प्रॉपरली करूं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिराइव फ्रॉम अथॉरिटी, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अकाउंटेबिलिटी इज डिराइव फ्रॉम अथॉरिटी, फॉर्मल पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। सो द आंसर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक अगर मेरी टीचर ने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको ये काम करना है, तो वो अगले दिन आके मेरे को ही पकड़ेगी, मेरे से ही पूछेगी कि क्या काम किया आपने, बताओ, तो इसलिए ये सी ऑप्शन होगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज चैप्टर लेक्चर, व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज रिटेन्ड, ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू बी बाय हायर मैनेजमेंट लेवल एंड डिसेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड, फ्रेगमेंटेड, नन ऑफ द अबव। वो ये कह रहा है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के पास है, रिटेन कर रखी है ऑर्गेनाइजेशन ने, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को, तो बताओ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज है, फ्रेगमेंटेड है, नन ऑफ द अबव है। क्लियरली दिख रहा है इट इज डिसेंट्रलाइज, सॉरी इट इज सेंट्रलाइज, बी ऑप्शन है, गलती से क्लिक हो गया, सॉरी। सो इट इज सेंट्रलाइज क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है कि इट इज रिटेन्ड, इट इज रिटेन्ड। अगर वो लिखता कि शेयर्ड विद लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तो होता है डिसेंट्रलाइज, बट इट इज सेंट्रलाइज नाउ। अब मैं आपको कीवर्ड बताना स्टार्ट करता हूँ कि कई बार क्या होता है कि अब केस स्टडीज आएंगी तो यू मे क्रिएट कंफ्यूजन इन माइंड कि इसका आंसर डेलीगेशन होगा या डिसेंट्रलाइजेशन होगा। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट सम कीवर्ड्स टू यू दैट, देखो ये बात तो आपको भी क्लियर होगी कि डेलीगेशन में हम सिर्फ एक काम, अपनी थोड़ी सी अथॉरिटी शेयर करती हैं। लाइक आपकी टीचर आई क्लासरूम में, मैं आपको स्कूल बेस्ड एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छे समझ आए। लाइक आपकी टीचर आई और आपकी टीचर ने बोला कि बेटा आज की अटेंडेंस ले लो, आज मैं थोड़ी बिजी हूँ, तो शी इज डेलीगेटिंग द अथॉरिटी, आपको वो अथॉरिटी थोड़ी सी डेलीगेट कर रही है अपनी।
लेकिन अगर वो रोज कहे कि आप से बेटा अटेंडेंस आप ही लो, आप क्लास मॉनिटर हो, आप ही अटेंडेंस लो, तो शी इज डिसेंट्रलाइजिंग. ओके, तो ये जो आपकी अथॉरिटी थी आपके पास सब परमानेंट चली गई, तो दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन. तो इसमें क्या होता है जनरली, ये वो ये कहना चाह रहे हैं इससे कि आप कॉम्पिटेंट हो, कैलिपर हो, आप अटेंडेंस ले सकते हो रोज. दैट्स वाई वो आपको कन्विंस कर रही है कि आप अटेंडेंस ले लिया करो और रोज मेरे को दे दिया करो अटेंडेंस. ओके, सो इस इट मींस कि आप उसके लिए कॉम्पिटेंट हो, कैलिपर है आपके पास, है ना. तो ऐसे ही अगर केस स्टडीज में कई बार लिखा हो कि इम्प्लॉयज के पास कैलिपर है, दे शुड बी मोटिवेटेड, दे शुड टेक द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस, या कुछ भी ऐसा कि इम्प्लॉयज को मोटिवेट करने वाली लाइन, तो इट मींस इट इज डिसेंट्रलाइजेशन. और डेलीगेशन में क्या लिखा होगा, डेलीगेशन में ये लिखा हो सकता है कि आज मैं ओवरबर्डन हूँ, आई वॉन्ट टू शेयर सम वर्क टूडे. तो टू सम एक्सटेंट ऑफ वर्क अगर कोई शेयर कर रहा है तो इट इज डेलीगेशन. ओके, लेकिन अगर कोई परमानेंटली आपके साथ काम शेयर कर रहा है तो इट इज डिसेंट्रलाइजेशन. तो आई होप आपको ये कीवर्ड समझ में आ गए होंगे. एंड नाउ इट इज फिनिश्ड, दिस लेक्चर इज फिनिश्ड. सो वी विल मूव विद द मार्केटिंग मैनेजमेंट एमसीक्यूज फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. एंड इफ यू लाइक माई लेक्चर प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट नोटिफाइड एवरी टाइम. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज डू कमेंट. Follow my Instagram channel for in participating in the quiz of the day. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.